जोक्स विद देवीडी में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान फिल्म जगत की जानी मानी शख्सियत हैं, जिन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपना पूरा योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रिलियंट एक्टर मुकेश ऋषि जी। मुकेश जी, वेलकम टू जोक्स विद देवीडी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले अपने शुरुआती सफर के बारे में, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आपका को पता लग गया होगा सर। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं, मतलब किस तरह से आपने अपनी स्टडीज की, बेसिकली एज ए जम्मू भाई, आपने जम्मू में अपनी पढ़ाई की है और उसके बाद आप तो बाहर गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक बताता हूँ, बॉलीवुड अकेडमी में थोड़ा सा पढ़ा हूँ, उसके बाद हम लोग अकेडमी में पढ़े गांधीनगर, वहाँ से मैंने स्कूलिंग किया, फिर मैं साइंस कॉलेज गया, वहाँ से मैंने क्लास 11 क्लास पास नहीं कर पाया, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, पढ़ाई में इतना कुछ बात नहीं बन रही थी। तो फिर मुझे सजेस्ट किया गया कि चंडीगढ़ जो है वो स्पोर्ट्स का घर, तो अगर आप स्पोर्ट्स का शौक है तो मैं वहाँ काम कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ पे जब गया तो मैं थोड़ा लेट था, मुझे डीएवी कॉलेज नहीं मिली एडमिशन, जहाँ दूसरा मुझे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ था कि अगर डीएवी कॉलेज नंबर वन उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे एक शांगा करके एक हमारे रणजी प्लेयर हुआ करते थे जम्मू के, जो तो वहाँ खेलते थे चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, तो उनकी हेल्प हुई मुझे, और उनका जो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के जो स्पोर्ट्स इंचार्ज थे, मैंने उनसे बात कराई, तो फिर मुझे स्पोर्ट्स कोटे में वो वहाँ पर एडमिशन मिल गया था। फिर बाकी चीज़ें भी करता था तो मुझे बहुत सलाह देते थे, यार ऐसा मत कर, मुझे स्पेशली सलाह दी जाती थी कि एक्सरसाइज तुम्हें ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि शोल्डर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा तो स्टिफ तो बॉलिंग में वो उसकी पड़ती है। तो मेरे में फिजिकल ताकत इतनी थी कि मैं इतना कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने दूसरों की गाइडेंस नहीं दी, इसलिए मुझे मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन मैं डीएवी कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, सबके साथ मैंने मैचेस खेले और अच्छा किया था, इतना अच्छा कर लिया था कि एक मैच में, डीएवी के मैच में, जो कपिल देव साहब के जो कोच थे आज़ाद साहब, जो स्टेडियम के इंचार्ज थे, वो हमारी टीम में जब मैच हो रहा था तो उसके रेफरी थे, उन्होंने मुझे खेलते देख के मुझे ये कहा कि तुम स्टेडियम में आ सकते हो प्रैक्टिस में, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, बट वही मैं अपनी गलतियों का शिकार रहा, या ध्यान था इतना कुछ कर रहा था, एनी वे सब गलतियों के साथ जो भी पाया अच्छा पाया, मज़ा आया, तो मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे चला गया तो थोड़ा सा तंबी के साथ काम किया, वहाँ मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो फिजी आइलैंड से थी, जो चंडीगढ़ में पढ़ती थी, तो वो अपने फिजी चली गई, तो उनके पेरेंट्स ने मेरा हेल्प किया तो मैं फिजी चला गया, वहाँ से फिजी से मैं थोड़ी देर बाद न्यूजीलैंड चला गया, न्यूजीलैंड में भी नौकरी वोकरी किया, मुझे समझ में आई फिर वहाँ से मैं फैशन शोज़ करने लगा। ओके, जब न्यूजीलैंड में मैंने फैशन शोज़ किए और मेरी उस वक्त नहीं समझ में आती थी बातें, लेकिन उनको मेरी स्किन टोन जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती थी, क्योंकि वहाँ के लोग तो बहुत फेयर होते हैं, तो उनको 24 घंटे 48 आवर्स बिफोर कहना पड़ता था ईच परफॉर्मेंस के लिए, स्टेज के लिए, तो वो लोग टैन होते थे, वो सब करते थे, मेरी स्किन ऐसी थी कि यार रात को 2 बजे फ़ोन करो, जम्मू की चमड़ी रेडी थी, वो चीज़ें मुझे वहाँ उनके साथ करके मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो जब किया तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, और मेरे दिल ने कहा कि कुछ इसी तरह का काम करना, फिर मैं वापस आया, बहन की छोटी की शादी, छोटी मैं बाई रहता, मैंने डिसाइड किया
लेकिन अकल ये आ गई थी कि अब हमने एक्टिंग कहाँ मिलती है, किस दुकान में मिलती है, उसे और एक्टिंग तो आती नहीं थी, लेकिन अंदर जो आग लगी हुई थी वो थी, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर पता कि अब हम इस वक्त रोशन त्रेजा साहब जो एक टाइम पे पूना उसके प्रिंसिपल थे, उनका प्राइवेट स्कूल, उनके यहाँ मैंने, फिर एक मधुमती मैडम थी जो अपने टाइम में बहुत बड़ी डांसर थी, जैसे हेलन थी वैसे डांसर थी, उनका एक स्कूल, तो मैंने साइमल्टेनियसली ये दोनों स्कूल जो दोनों के यहाँ सीखता और मुझे बहुत फायदा, बहुत से लोग नहीं सीखते थे ज़्यादा, तो इसलिए शायद ज़्यादा लोग निकले नहीं मेरे बीच में, शाबाश मेरे साथ में, शाबाश निकले, तो इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ। और फिर मुझे मिला टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान करके मुझे काम नहीं मिला उसके बाद, लेकिन मुझे एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि मुझे अपनी कमज़ोरियाँ पता चली, सीखने के बाद मैं कहाँ कहाँ कमज़ोर हूँ, ये मुझे टीपू सुल्तान से पता चला, फिर मैंने उन चीज़ों पे मेहनत करी। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के पीछे कोई इंस्पिरेशन थी, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टर डायरेक्टर या किसी को आप फॉलो करते थे जिससे आप ज़्यादा इंस्पायर होकर आप आए, या बचपन से ही एक ख्वाहिश थी कि आपने? देखिए फिल्में तो मैं सब देखता था जम्मू, कोई किसी थिएटर की कोई फिल्म में नहीं छोड़ता था, मैं नहीं कहता कि मैं किसी को देख के, उस वक्त क्या होता था, सबकी एज में होता था, लंबे थे देखने में ठीक थे, तो दोस्त भी कह देते थे यार, इस तरह की चीज़ें होती रहती थी, लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन धर्म जी, जीतू जी, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, रीजा रमान, इनसे सब मेरे मतलब उस वक्त के टॉप स्टार थे, ये लोग इनको देखते थे, इनकी तस्वीरें अलमारी में लगानी, मैगजीनों में काटना और स्क्रीन को बहुत ईमानदारी से देखना, जो फिल्म मैगजीन ज़्यादा जम्मू में आती नहीं आती, स्क्रीन आती थी तो उसको देखना, फिर कुछ मैगजीनें कभी मिल जाए उनको देखना, ये चीज़ें रहती थी। लेकिन जम्मू में उस रह के ये नहीं मालूम था कि एक्टर बनना है और मैं बॉम्बे चला जाऊँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं, जो हुआ है स्टेप बाय स्टेप हुआ है, उसी का ही मुझे फायदा हुआ, क्योंकि सडनली आप चले जाओ, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, बॉम्बे को छोटा शहर है, तो जो भी हुआ स्टेप बाय स्टेप। तो सर 29 साल का इतना लंबा सफर, बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहते हैं बॉम्बे जाके, तो किस तरह के उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले? उतार चढ़ाव तो आते हैं, जब शुरुआत हुई तो विलन से हुई, फिर आस्ता आस्ता जो कहानियाँ थी वो बदलनी शुरू हुई, रब ने अपने आप रास्ता खोला, साउथ में मुझे काम मिलना शुरू हो गया, साउथ में वालों ने मुझे बहुत वैरायटी ऑफ रोल्स ऑफर किए, वो मैंने किए, सब लैंग्वेज में काम किया, अगर आपसे कहूँ तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, तो है इन सब फिल्मों में काम किया, तो रब ने अपना रास्ता खोला। अब ये स्टेज है कि क्योंकि मैं सब लैंग्वेज में करता हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आता रहता है जो मुझे अच्छा लगता है। अभी मेरी एक सीरीज आ रही है जिसका नाम है पृथ्वी वल्लभ, उसमें सेंट्रल करेक्टर है मेरा कल्लारी का, जनवरी में रिलीज हो रही है सोनी के लिए, तो इस तरह की चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मुझे लगा अब समय आ गया कुछ मुझे डिफरेंट करना चाहिए, तो मुझे इस तरह की सीरीज ऑफर होगी। इस सीरीज का सबसे अच्छी बात यह है कि सीरीज मेरे ख्याल में इतनी कुछ जो महंगी सीरीज बनी उनमें से एक बनी, तो मैं उसको कर रहा हूँ 10 वर्ष में। सर अब जैसे इंडस्ट्री में कश्मीर को लेकर भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं और बन भी रही हैं, तो इंडस्ट्री कश्मीर जो एक मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है हमारे हिंदुस्तान का और इंटरनेशनल मुद्दा है, तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करता है कश्मीर ऑन फिल्मों के द्वारा? कश्मीर की प्रॉब्लम तो रही है, लेकिन कश्मीर को फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा दिल से सराहा है, चाहा है, और उसकी ब्यूटी को हम सब जानते हैं, पुरानी सब फिल्में, कोई फिल्म होगी जिसमें कश्मीर में, कश्मीर में वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी है, लेकिन ये समय जब खराब आ रहा है तो कई बार इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए वहाँ जाना बंद नहीं करती कि माहौल ठीक नहीं, कई बार इंडस्ट्री इसलिए भी जाना बंद करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से कोई ऐसी चीज़ करके, क्योंकि माहौल ऐसा है ना, हमारी कहानियाँ होती हैं, कोई सीन ऐसा कर रहे हैं जिसका अगला पीछा लोगों को मालूम नहीं होता, और उस वक्त कोई ऐसी बात उन्हें उस माहौल में न ठीक लगे तो कहाँ जवाब देगा, कैसे देगा, क्योंकि उनको तो मालूम नहीं है क्या हो रहा है,
तो इसलिए कई बार इंडस्ट्री थोड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री अकेला आदमी नहीं जाता है, अगर बड़े फिल्म होती है तो 100 लोग होते हैं साथ में, शूटिंग के दौरान किसी को तकलीफ ना आए, ऐसी ऐसी बात ना हो या कोई ऐसी बात ना कहे कि फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ये दिखती है, तो फिल्म इंडस्ट्री इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो मुझे लगता है कभी कभी वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं, लेकिन जब जब उन्हें मौका मिलता है कि माहौल ठीक है, मुझे याद है लास्ट टाइम मैं खुद था उस फिल्म का हिस्सा, उतार करके ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री के टॉप लोग वहाँ, तो जब जब मौका मिला इंडस्ट्री जाती है। लेकिन ये इंडस्ट्री इन चीज़ों में भी सेंसिटिव है कि भाई हमारे जाने से कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमारे से बात किया, अपना शेयर्स आपने दी, शेयर्स किए हमारे साथ, अपने नंबर किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुकेश ऋषि जी, फिल्म जगत के जाने माने शख्सियत। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल वेबजीन, फॉलो अस एट ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम।